अफनान साहब आ गए। कहाँ थे तुम? वो रमशा की तबीयत खराब थी, उसका हाल पूछने उसके घर गया था। तुम्हें क्या जरूरत थी रमशा के घर जाने की? अगर मामू जान को जाना था तो वो ड्राइवर के साथ भी जा सकते थे। देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, पहले ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, फिर रमशा की तरफ गए, अब घर आके भी मैं ये चेक चेक नहीं कर सकता। हाँ तो यही तो कह रही हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी ऑफिस से डायरेक्ट रमशा के पास जाने की उसकी दिलजोई करने के लिए? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन तुम एज यूजुअल मेरी बात मान नहीं रही हो। बैग उठाओ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाईजान आप प्लीज अफनान को समझा दें। अफनान को समझाना मसले का हल नहीं है अफशीन, और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बात नहीं की होगी अफनान से? मेरा वो मतलब नहीं था भाईजान, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। आप देखिए ना, घर में मुलाजमीन भी हैं, वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। बात इससे आगे निकल चुकी है अफशीन, तुमने खुद बताया मुझे कि तुम्हारी मौजूदगी में उसने इतनी सख्त बात की है। मुझे तो डर है अफनान गुस्से या नासमझी में कोई उल्टी सीधी बात ना करते। कितना नाजुक रिश्ता है ये, समझती हो तुम? देखो अफशीन, तुम अलीजे को समझाओ, उससे कहो कि अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लेकर आए। देखो हर तरह से जरूरत उसकी पूरी हो रही है, जो चाहती है वो करती है, कोई अफनान उस पर रोक टोक भी नहीं करता। हालांकि मुझे खुद अलीजे की कुछ बातें पसंद नहीं है, इत्तफाक नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी यानी अफनान उसे कुछ नहीं कह रहा और उसे शिकायत है अफनान से। मुझे लगता है गलती अफनान ही की, बतौर शौहर के उसने अपने मकाम को मुकद्दम ही नहीं रखा। एक सफर के लिए भी अमीर सफर का हुक्म है तो ये तो जिंदगी का सफर है, तवाजुन की जरूरत है और वो ही नहीं हो रहा। उसी की वजह से ये सब हो रहा है, इन दोनों के रवैये की वजह से पूरा घर परेशान, डिस्टर्ब्ड है हम सब। वैसे अफनान साहब, बड़ी फिक्र है आपको रमशा की, मेरी बीवी की। पता है, अगर मेरी बीवी मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगे ना, मैं 10 बार सोचूंगा। और एक आप है, 10 मिनट में यू चेक लिख के देंगे, क्या बात है भाई। जस्ट शट अप। पता है आपको मेरे ना मजाक समझ नहीं आता वैसे, लेकिन खैर है, चलते हैं। मुझे इजाजत है इसे, मैं चलता हूं। अब तुम रमशा को परेशान नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल, और कोई हो? देखो शानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, रमशा बीवी है तुम्हारी, रमशा के लिए अपने दिल साफ कर लो। बीवी है तुम्हारी, तुमसे मोहब्बत करती है। और आप भी उसका बहुत ख्याल रखते। इतना ख्याल तो सिर्फ कोई अपनों का ही रख सकता है। मैं बस रमशा को खुश देखना चाहता। चाहता हूं वो तुम्हारे साथ खुश रहे। वो बीवी है तुम्हारी, चाहता हूं तुम उसके हकूक पूरे कर। उसकी जिंदगी में सुकून लेकर
तकलीफें देखी उस लड़की ने। रहा सवाल प्यार का, तो उससे प्यार नहीं करता। मैं तो मेरी बात समझ रहा हूं। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। इस वक्त तक जाग रहे हो, सब खैर है? आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं नहीं, बताओ क्या हो गया, परेशान लग रहे हो कुछ? थक गया हूं मैं डैड। नहीं जानता था जिंदगी ऐसे मुंह मोड़ेगी मुझसे। जिंदगी का सुकून ही खत्म हो गया। ऐसे लगता है लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं मैं, बहुत परेशान हो गया हूं डैड। सब्र और सलात दो ताकतें हैं मोमिन की। नमाज पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह बेहतरी के फैसले फरमाएंगे। समझ ही तो नहीं हो रहा मुझसे। सब्र करने का हौसला जैसे खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम क्या जानो सब्र का हौसला क्या होता है। खैर, चाहते क्या हो? चाहता क्या हूं? ये जाने ना जाने से अब कुछ नहीं होगा डैड।